नमस्कार, मैं हूं राजी। आज एक अच्छी खबर आई रूस की तरफ से, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। जिस तरीके से कोरोना महामारी फैलने के बाद सारी दुनिया में एक घबराहट फैली हुई थी, और उस घबराहट के मद्देनजर रूस की तरफ से वैक्सीन बना लेने की खबर अपने आप में सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि शेयर बाजारों ने इस खबर पर एकदम ही ठंडी प्रतिक्रिया दी है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो आज यह खबर भारतीय बाजार के खुले रहने के दौरान ही आ गई थी, लेकिन हमें भारतीय बाजार की चाल पर इस खबर का जरा भी कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। केवल भारतीय बाजार ही नहीं, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी देखें तो वहां भी हमें ऐसी कोई हलचल खास नजर नहीं आई। यदि खबर आने के समय अमेरिकी बाजार में डाउ फ्यूचर को देखें तो वहां कोई हलचल नहीं थी, इस समय भी अमेरिकी बाजार में ऐसी कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत हमें यदि प्रतिक्रिया दिखी तो सराफा बाजार में, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में थोड़ी कमी आई, भारतीय बाजार में भी कमी आई। लेकिन खुद सराफा बाजार के जो जानकार हैं, बुलियन विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी तो मुनाफा वसूली वैसे ही बनती है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं कि कोरोना वैक्सीन का असर इसे माना जाए। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आज एक खास विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान। प्रकाश जी, अब जिस तरीके से हम इस समय ये खबर देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका जो एक असर बाजार पर जिस रूप में होना चाहिए था, वैसा असर हमें नजर नहीं आया? बिल्कुल राजीव जी, आपने जो मुद्दा उठाया है, जो प्रश्न उठाया है कि ये मार्केट इसको क्यों कोई प्रतिक्रिया, और वो भी फेवरेबल मायने में प्रतिक्रिया क्यों दे नहीं पाया, या किस वजह से इसको इग्नोर किया गया, ये डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह इस पे उठता है। पर मैं उसको अब पोस्टमार्टम करने की बात है कि भाई मार्केट बंद हो चुका है, खबर आ चुकी है, अब इसका हम लोग वो करने की निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे एक चीज जो समझ आ रही है ये है कि कहीं ना कहीं विश्वास का जो एलिमेंट है कि ये रूसी वैक्सीन जो है इस पे लोगों का उतना विश्वास नहीं बैठ रहा कि कमर्शियली वायबल होगा, कि इसमें इतने ट्रायल होंगे, क्योंकि एक आप ये देखिए कि पारदर्शिता के मामले में रूस थोड़ा सा हमेशा थोड़ा कमी रहा है। अगर ये चाइना से आती वैक्सीन तब तो बिल्कुल ही इसको इग्नोर किया जाता, लेकिन जब रशिया से भी आई है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है और ये इस पैंडेमिक को लेके जो चिंताएं हैं एज ए ह्यूमैनिटी, फॉरगेट एज अ मार्केट, मार्केट तो एक चीज है, लेकिन जो सारे विश्व में जो कहर मचा हुआ है उसको काबू में लाने के लिए जो पॉजिटिविटी थी वो भी कहीं नहीं दिखी। तो मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस चैनल ने इग्नोर किया, मार्केट ने किया, लेकिन बाकी भी कहीं विश्लेषण इसका नहीं हो रहा है, या इसकी कोई प्रतिक्रिया मांगी नहीं जा रही है, दिखाई नहीं जा रही। उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा सा कम है कि ये प्रैक्टिकली कमर्शियली वायबल होगा, जबकि रशिया के खुद पुतिन साहब ने ये इस चीज का ऐलान किया, ये नहीं कि कोई कंपनी कारोबारी को बता दिया गया कि आप बोलिए जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं इग्नोरेंस, और इसमें कई पेज इसके जो 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 दाव पेज होते हैं इसमें, देखिए ऐसा है कि आपको ख्याल हो तो जब अमेरिका में हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की भी जब बात हुई थी HCQ की, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा शुरू हुआ था डिबेट हुआ था कि मतभेद ये था कि ये इफेक्टिव नहीं है, और कुछ कंपनीज कह रही थी ये बहुत इफेक्टिव है, और ट्रायल्स के भी संदेह ये है कि ट्रायल्स को भी मैनिपुलेट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने की वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें कई परिबल रहेंगे जो इन अगेंस्ट होंगे, तो उस वजह से ये जो रस्साकसी जो है इसमें मुझे लगता है एक जो बोलते हैं ना जिसको कि विक्टिम ये न्यूज हो गई, तो हो सकता है कि कुछ कंपनी एस्ट्राजेनेका हो गई या आपकी दूसरी जो बड़ी नामी फार्मा कंपनीज ट्राई कर रही हैं वैक्सीन का कुछ डेवलपमेंट, और वो अगर नजदीक हैं कहीं ना कहीं इसको निकालने में, इसको सक्षम हो सकते हैं,
तो अगर वो होता है तो ये रशिया को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है सारा जो जो इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो रशिया की तरफ झुक सकता है, उसका झुकाव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें ग्लोबल स्टेज पे कमर्शियल एंगल ज्यादा है और उसको इसलिए वो नकारा गया या इग्नोर किया गया ताकि आप दूसरे किसी को जगह बना के दे सके। प्रकाश जी, यदि अगर हम देखें कि अगर चलिए ठीक है, अमेरिका या उसके साथ के जो देश हैं, मित्र देश हैं, वो इस चीज़ को नकारें, तो वो बात एक समझ में आती है कि चलिए ठीक है, उनका अपना एक कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन शेयर बाजार जो है, चाहे वो भारत का हो या अमेरिका का हो या यूरोप का हो, वहाँ पर इस तरह से मतलब सरकारों वाली जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चलती है। तो बाजार का इस पर रिएक्शन नहीं देना, ये अपने आप में जरा आश्चर्यजनक है। यानी बाजार इसको डिस्काउंट करने के लिए अभी शायद एकदम तैयार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो वो उसका रीजन भी ये है कि हर जगह पे जब ये न्यूज जाएगी, उसका विश्लेषण होगा, उसको ठोक बजा के ये चेक किया जाएगा कि इसमें कितना दम है और ये कितनी सस्टेनेबल है। क्योंकि तो एक चीज होती है कि आपने वैक्सीन बना दी, लेकिन वैक्सीन की आप कीमत अगर बहुत ज्यादा हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो हर एक के मतलब जो लोग ले सकते हैं उनसे उनको मिलेगी नहीं, और जो लोगों को जरूरत है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के जो सवाल है, जैसे जैसे इन पहलुओं पे क्लैरिटी आएगी और थोड़ी रोशनी डलेगी, मुझे लगता है कल के मार्केट में आपको ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हुए जब दिखेंगे तो मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा और इस पर रिएक्शन होगा। हो सकता है सेक्टोरल हो सकता है एक पर्टिकुलर जो मरे हुए क्षेत्र है, जो दबे हुए क्षेत्र है, जो एयरलाइंस हो गया, टूरिज्म हो गया, वहां पे आपको शायद पहले रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि बाकी कितने सारे सेक्टर्स ऑलरेडी इतना रनअप कर चुके हैं, इतनी तेजी दिखा चुके हैं। तो वहां पे हो सकता है इसे वैक्सीन की वजह से ना हो, लेकिन जो वैक्सीन की वजह से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो सेक्टर्स हैं मार्केट पे चले नहीं है, वहां पे आपको रिएक्शन पहले दिखेगा और वह एक बहुत बड़ा अंदेशा होगा कि इसकी शुरुआत हो गई, एक्सेप्टेंस की शुरुआत हो गई। तो मैं तो इंटरेस्टिंगली मार्केट में यही देखने वाला हूं कि ग्लोबली संकेत आपको इन सेक्टर्स में क्या मिल रहा है। प्रकाश जी, क्या इसे इस रूप में भी देखा जाए कि बाजार शायद कोरोना की दहशत से, मतलब एक चिंता तो है ठीक है, लेकिन जो शुरुआती दहशत वाला भाव था उससे पहले ही बाहर निकल चुका है? क्योंकि भारतीय बाजार को भी देखिए, मार्च में जिस तरह की गिरावट आ गई थी और वहां से जिस तरीके से पूरा एक अच्छा खासा बाजार वापस संभल चुका है, यही हाल हमें अमेरिकी बाजार में दिख रहा है। तो बाजार शायद कोरोना की दहशत से पहले ही बाहर निकल चुका था, इसलिए वैक्सीन की खबर आने पर शायद इतना बड़ा उत्साह हमें वो छलक करके नजर नहीं आ रहा है। क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल सही है। देखिए, जो कहर था, जो डर था, उसको हम शायद जीत चुके हैं या पार कर चुके हैं। तकलीफें अभी भी हैं, रियलिटी ये है कि आज न्यूजीलैंड में भी 100 दिनों के बाद कुछ केसेस वापस पाए गए, हांगकांग में एक गिरावट आई उसके बाद हुआ, जर्मनी में कुछ आंकड़े आपके थोड़े से चिंताजनक वापस काफी समय बाद आए, लेकिन कहीं भी सेकंड वेव नहीं, सेकंड वेव का कोई अंदेशा नहीं आया है राजीव जी। सो मुझे ये लग रहा है, हमारे यहाँ ऑफकोर्स परिस्थिति अलग है क्योंकि हमारे यहाँ शुरुआत लेट हुई थी और हम लोग आज अव्वल नंबर पे जो नए केसेस में पहुंचे हैं वो पूरी हमारी हमारी पॉपुलेशन की वजह से है, और वो अभी तो धीरे धीरे करके उसका विस्तारण जो अभी भी हो रहा है। बट ये जो डर था, ये डर इसलिए भी कम हुआ है कि आप देखिए, फार्मा कंपनीज ने वैक्सीन में चाहे बहुत ज्यादा पहल ना करी हो या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हुए हो, लेकिन ट्रीटमेंट में जरूर हुए हैं। जिस टाइम पे ट्रीटमेंट आना शुरू हुए हैं उससे आपकी मोर्टेलिटी रेट और ये सब जो घटने की जो बात है, आज नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज का वो बयान दिया था कि 1.9% पे हम मोर्टेलिटी पे पहुंच गए। सो इस टाइप के जो आंकड़े हैं उससे जो डर है वो काफी हद तक काबू में आ चुका है। तो मार्केट इस वजह से इसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में जहां पे वैक्सीन के बिना कोई इंप्रूवमेंट नहीं मुमकिन है, वहां पे आपको इसका डेफिनेटली एक वो देगा, क्योंकि वो तो बाइनरी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, या तो वो जीरो रहेंगे या हीरो बनेंगे। तो आज तो वो जीरो पे बने हुए हैं, तो वैक्सीन के आने से एटलीस्ट कुछ कामकाज की शुरुआत हो जाएगी, बिक्री शुरू हो जाएगी, लोग घूमना फिरना शुरू करेंगे, तो वो आपको उसमें झलकना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रकाश जी, क्या अब ये माना जाए कि चलिए ठीक है, दहशत से बाजार पहले ही निकल चुका था, अब वैसा डर नहीं है किसी के मन में, कह रहे भाई कोरोना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलाज जो है वो आज की तारीख में संभव दिखता है और इसीलिए अधिकांश लोग अब
उस पुरानी दहशत से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन यदि बाजार के नजरिए से देखें तो क्या वैक्सीन का आना इस मामले में एक खुशखबरी नहीं है कि चलिए देर सवेर अब जो भी अर्थव्यवस्था के सामने बची खुची अड़चने हैं वो सारे बंधन धीरे धीरे खुल जाएंगे और अर्थव्यवस्था अब अगले कुछ महीनों के अंदर बिल्कुल ही जो प्री कोरोना पीरियड था, जो कोरोना के आने से पहले की जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की हालत थी, उस स्थिति में वापस लौटना अब बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। जो पहले हम उतने भरोसे के साथ नहीं कह पा रहे थे, किसी से भी हम पूछ लेते, अभी चंद दिनों पहले ही हमने शेयर मंथन और निवेश मंथन की तरफ से शेयर बाजार के तमाम जानकारों का सर्वेक्षण किया था, आप भी उस सर्वेक्षण में शामिल थे, और उस सर्वेक्षण की एक मोटी बात ये निकल के आ रही थी कि जो प्री कोविड पीरियड वाली अर्थव्यवस्था हमें वापस कब मिलेगी, सामान्य स्थिति कब बहाल होगी, इसके बारे में पक्के भरोसे के साथ कह पाना मुश्किल है। कोई अप्रैल की तारीख कह रहा था, कोई उसके बाद की तारीख कह रहा था, लेकिन अब अगर वैक्सीन आ रही है रूस की तरफ से, सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आ रही है, अमेरिका की तरफ से भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि वहां भी जल्दी ही वैक्सीन बन जाएगी, खुद हमारे देश भारत में इस तरह की सुगाहटें हैं कि शायद 15 अगस्त को एक बड़ा ऐलान इस बारे में हो सकता है, भारत बायोटेक का नाम आ रहा है बार बार कि वह वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुकी है या शायद सफलता मिल चुकी है, इसका एक औपचारिक ऐलान बाकी है। तो ये सारी बातें जो हैं, वैक्सीन चाहे रूस में बने, अमेरिका में बने, खुद भारत में बने, अंततः इसका नतीजा ये निकलना है कि जो अर्थव्यवस्था के सामने बची खुची दिक्कतें भी हैं वो भी खत्म होनी है। तो भले ही रूस की वैक्सीन पर बाजार एकदम से न उछले, लेकिन जो बचा खुचा डर भी है बाजार का वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो यहां से एक सस्टेन्ड अपमूव क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बाजार में? नहीं, देखिए वैक्सीन को एक्सेप्ट अगर कर लिया गया और जिस हिसाब से, जिस प्रकार का आप जो बना रहे हैं थीसिस की, अगर वैक्सीन आ गई और विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स वापस आ जाती है, नॉर्मलाइजेशन की जो बात करें वो हो जाता है, तो डेफिनेटली होगा। क्योंकि आप देखिए, हमने छोड़ा कहां था, हम ट्रेन से उतर इसलिए गए थे कि आगे पुल टूटा हुआ है, अब ट्रेन एक स्टेशन में खड़े थे ये नहीं पता था पुल रिपेयर कब होगा, अब पुल रिपेयर हो गया, लेकिन अभी भी जर्नी जो हमारी है वो 12 घंटे की आगे बाकी है, तो 12 घंटे तो लगेंगे, लेकिन एक तसल्ली ये हो गई कि अब जर्नी शुरू हो जाएगी। तो जो 12,500 में निफ्टी छोड़ी थी हमने, और आपके सर्वेक्षण में मुझे याद है हम लोग इस बार बड़ा पेचीदा था इसका अनुमान लगाना कि नॉर्मलाइजेशन कब हो सकता है और किस मायने में, किस पैमाने से हो सकता है, लेकिन अगर 12,500 निफ्टी छोड़ के हम लोग 7.5 तक आए थे, वहां से हम 11,15-11,30 तक ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये जो 1,000 पॉइंट का जो डिफरेंस है, फासला, ये तो बहुत जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन अब 12:30 के बाद जो आपका सवाल है कि 14-15 कब होगा, वो अब आपको विजिबिलिटी दिखने लगेगी, और उसके ऊपर कोई ना कोई एक एक, एक जिसके लक्षण जो है वो पॉजिटिवली आपके पास आने लगे। अभी तो अटकलें लग रही थी फरवरी में होगा, कोई कहता दिवाली तक होगा, कोई अगले साल की बात कर रहा है कि वॉशआउट साल है, तो ये सब अटकलें, ये सब जो है वो थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि एक एक फाइनाइट तरीके से नैरो हो जाएंगी और ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेसेस एंड कंपनीज एंड एंड स्टॉक्स विल बिकम मोर क्लियर अगर वैक्सीन का एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है उसके वो बहुत जल्द हो जाएगा, प्रोवाइडेड वैक्सीन एक्सेप्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए कि चाहे भारत बायोटेक बना के दिखा दे आपको या रशिया। और ये याद रखिएगा कि एक अच्छी चीज वैक्सीन की ये कि एक जगह बनेगी तो उसके बाद दूसरी जगह बनना भी मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो मिल गया, तो कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करके, उसको तोड़ मोड़ करके, जोड़ के कहीं ना कहीं तो और कोई, जैसे आपने दवाइयों में देखा जो जो ट्रीटमेंट था वो रेमडेसिविर के साथ साथ फेविपिविर आ गया, डेक्सामेथासोन आ गया, तो अलग अलग विकल्प निकलने आते लगते हैं, वही चीज वैक्सीन में भी होगी, तो वो एक्सेप्टेंस काफी जल्दी आ जाएगा, तो उसकी राह देखेंगे। और अगर मार्केट ने 12,500 के ऊपर कुछ लगानी है तो उसमें भी शामिल जरूर हो जाएंगे। तो अब इस खबर पे अभी भरोसा करें या थोड़े और कंफर्मेशन का इंतजार करें? लेकिन क्या अब यहाँ से आप अपनी निवेश रणनीति को फिर से थोड़ा ट्वीक करेंगे कि चलिए अब मैं पहले से ज़्यादा आश्वस्त और ज़्यादा बाजार के प्रति एक भरोसा रख करके चल सकता हूँ, तो क्या वहाँ पर आपकी रणनीति कुछ बदलेगी? बदलेगी तो कहाँ पर बदलेगी? नहीं, बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपकी रणनीति बदलनी है, क्योंकि बड़ी खबर है, एक बड़ा पड़ाव है और उसके बाद आपकी रणनीति बदलना स्वाभाविक है, तो जो मैंने जैसे कहा, जिन सेक्टर से परहेज था, जिन कंपनियों के बिजनेस से हम लोग को एक व्याकुलता लग रही थी, मायूसी आई हुई थी,
उसमें आपके पैसे ज्यादा बनेंगे। आपको अब फार्मा में पैसे इतने नहीं बनेंगे, आपको बैंकिंग में वापस पैसे बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो और हमारा मार्केट या कोई भी मार्केट हो रहा है वो एक एक जिसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर होता है, जो 6 महीने बाद आनी है चीज उसकी जो प्रतिक्रिया है वो आपको मार्केट आज दिखाएगा। तो एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, जो इस टाइप की जो चीजें हैं जो जो डिसरप्ट हो चुकी है, ऑटोमोबाइल्स, आप देखिए सबसे पहले इसमें ऑटोमोबाइल्स में आपको देखने देखने लगेगी, लोग कारोबार पे जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ घूमना फिरना। तो अपने आप वो जो गाड़ियां नहीं बिक रही थी, शोरूम नहीं खुल रहे थे, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, वो सब नॉर्मल होने लगेगा। तो रणनीति तो बदलनी पड़ेगी आपको। जब अप्रैल में आपने नीचे के लेवल्स पे अलग चीजें ली और उनका मजा लिया और 4 महीने में इतनी कमाई जो हुई है फार्मा और केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स को लेके, वैसे ही कुछ और आपके लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं और क्षेत्रों में भी आपको झलकेगी, तो डेफिनेटली रणनीति में चेंज आना पड़ेगा जी। लेकिन अगर हम इस रूप में देखें कि चलिए यहां पर वैक्सीन आने की संभावना बढ़ गई है, ट्रीटमेंट पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि शायद बेहतर हो चुका है, अब कोरोना को लेकर के डॉक्टर भी उतना नहीं घबराते कि हम कैसे इलाज करेंगे, उन्हें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता है अब आज की तारीख में। लेकिन फिर भी जैसे आपने एयरलाइन का जिक्र किया या होटल इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप मूवी थिएटर्स की बात करें, ऐसा तो नहीं है कि ये अगले एक महीने में शुरू हो जाएंगे, शायद वैक्सीनेशन की भी जो प्रक्रिया चलेगी वो काफी लंबी चलेगी, वैक्सीन का उत्पादन मास स्केल पर हो। अब भारत जैसे देश में जो 125 अरब लोगों का देश है वहां पर आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चलाएंगे तो वो काफी लंबा चलने वाला है। तो ऐसे में क्या ये जो सेक्टर्स हैं जिनको लेकर हम डरे हुए थे उनमें रिकवरी तो होगी या उनके खुलने की संभावनाएं तो बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रातों रात हो जाएगा या अगले एक महीने दो महीने के अंदर हो जाएगा? नहीं बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे पीवीआर का शेयर, और ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं तो एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि 2000 के भाव से आज नीचे के लेवल पे 750-800 तक जाके आया और आज 1100 पे है। तो 1100 से 2000 शायद आपकी बात सही है, बिल्कुल वो इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन 1100 से 1400-1500 तो आ ही सकता है। तो एक मूव जो है, जो अपेक्षा है इम्प्रूवमेंट की, उस लिहाज से आपको एक पहला मूव मिलेगा। और फिर जो मैंने कहा तब आपकी निफ्टी 12.5 तक अगर आ गई तो उसके बाद तो जो पहले जनवरी फरवरी में जो हम लोग आंकड़े देख के अनुमान लगा रहे थे ग्रोथ के, वो वापस ग्रोथ के आंकड़े लगेंगे, लेकिन अब पड़ाव जो है वो दिसंबर तक आपका हो गया या अगले मार्च तक हो गया, डिपेंडिंग ऑन वैक्सीनेशन का जो कामकाज है, जो कार्यक्रम है वो कितनी जल्दी अडॉप्ट जी। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अब हम वैक्सीन की खबर को इस रूप में देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा आश्वस्त होकर के जिंदगी आगे बढ़ेगी, जो एक डरावनी तस्वीर थी या एक अनिश्चितता थी कि हम वापस बिल्कुल सामान्य स्थिति में कब लौटेंगे, अनलॉक 1, 2, 3, 4 सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी मन में एक अनिश्चितता थी कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, कब तक वापस सामान्य स्थिति में लौटेंगे। तो ये खबर आश्वस्त करती है कि सारी दुनिया जो है वो अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जब फिर से सामान्य होने की ओर लौट सकेगी, और इसके साथ ही बाजार वापस अपने पुराने तौर तरीके पे लौटेगा और उसकी कुछ प्रक्रियाएं तो पहले से शुरू हो चुकी थी। बहरहाल इस बातचीत के लिए प्रकाश दीवान आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू।